सर दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वेब सीरीज की अपडेट के साथ। और इस बार हम जो वेब सीरीज के बारे में आपको बात करने वाले हैं मैं उसका रिव्यू करने वाला हूं। जी हां दोस्तों, ये वेब सीरीज मैंने अभी देखी और मुझे काफ़ी पसंद आई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वेब सीरीज कुंवारी चीक के बारे में। आपको पता होगा दोस्तों कि वेब सीरीज हंटर पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन ये वेब सीरीज अभी रिलीज हुई है प्राइम प्ले के OTT ऐप पर। इसके अंदर मुझे रितिका सुरैया और पीयू सिंह इन दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी बढ़िया लगी, लेकिन सीन्स के मामले में जो है वो पीयू सिंह जो है वो रितिका सुरैया से काफ़ी आगे चली गई थी। यार रितिका सुरैया का इसमें शुरुआत में सरवेंट के साथ एक सीन्स है, वो सीन्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, उसकी केमिस्ट्री भी काफ़ी बढ़िया लगी और सीन सस्पेंस भी काफ़ी बढ़िया लगे। उसके बाद आपको पीयू सिंह का लास्ट के अंदर जो एक और सीन है वो भी बढ़िया दिख रहा है। रितिका सुरैया के सीन्स हमें देखने को मिले लेकिन उसके अंदर उतना मज़ा नहीं आया, यानी वो एंगेजिंग नहीं थे और उसको देख के मुझे कोई भी एक्साइटमेंट नहीं हुई। यह कुंवारी चीक एक अपकमिंग वेब सीरीज थी लेकिन अब OTT पर रिलीज हो गई है। अगर आपने वेब सीरीज नहीं देखी तो आप अभी प्राइम पे के OTT ऐप पे जाके देख सकते हो। जी हाँ, कुंवारी चीक वेब सीरीज काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर एक स्टोरी लाइन दिखाई गई है जो गाँव के ऊपर पेज है और इसके अंदर कॉस्ट्यूम मुझे काफ़ी अच्छे लगे, यानी ड्रामेटिकल सीन्स से कॉस्ट्यूम काफ़ी बढ़िया थे और विलेजर्स के जो सीन्स देखने को मिले हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है। सीन सस्पेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे पीयू सिंह के जो सीन्स है वो काफ़ी ड्रामेटिकल है, क्योंकि गांव की गोरी और जो जिस तरह के सीन्स के अंदर उन लोगों का केमिस्ट्री दिख रहा है वो सीन सस्पेंस थोड़े एंगेजिंग लगे मुझे। यहाँ रितिका सुरैया का लास्ट में सीन आता है लेकिन वो सीन्स उतना मज़ेदार नहीं लगा। ये वेब सीरीज जो है वो दो पार्ट के अंदर है, इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था, इसका सेकंड पार्ट भी रिलीज़ हुआ था। मैंने सेकंड पार्ट देखा है, फर्स्ट पार्ट उसी का ही पर बेस था, तो ये वेब सीरीज जो थी वो थोड़ी एंटरटेनिंग थी लेकिन उतना ड्रामा भी नहीं था जितना हम एक्सपेक्ट कर पाए थे। जी हाँ, लेकिन वेब सीरीज एंटरटेनिंग है, आपका टाइम पास हो सकता है। और सीन सस्पेंस की मैं बात करूँ तो प्राइम प्ले पर फिर से अभी एक ड्रामा चालू हुआ है, यानी जितनी एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे कि उसकी आगे की जितनी वेब सीरीज थी उसके अंदर उतना ड्रामा देखने को नहीं मिल रहा था और सीन सस्पेंस भी कम हो गए थे, वो सीन सस्पेंस शायद ही वेब सीरीज आपके पूरे कर पाए। धीरे धीरे इनका प्लेटफॉर्म के ऊपर सीन सस्पेंस चेंज हो रहे हैं, यानी फिर से ये OTT प्लेटफॉर्म जो है वो उस लेवल को पार कर सकता है जितना हमें एक्सपेक्टेशन की थी। जी हाँ, लोगों वेब सीरीज सीन सस्पेंस की वजह से ही देखते हैं और धीरे धीरे ये सीन सस्पेंस जो है वेब सीरीज के अंदर बन रहे हैं, यानी कि आ रहे हैं और इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। अगर आपने वेब सीरीज़ नहीं देखी तो अभी जाके प्राइम प्ले के OTT ऐप पर देख सकते हैं और देखने के बाद आप मुझे बताइए कि आपको वेब सीरीज़ कैसी लगी। और ऐसे ही वेब सीरीज़ की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।